जब डॉक्टर रोगी से घबराने लगे कि अगर मैं इस रोगी को बता दूंगा, इसका इलाज करूंगा, अगर इसकी टीका लगाऊंगा, दवाइयां दूंगा, इसको बुरा ना लग जाए, तो समझ लो रोगी की जान जाएगी। अगर आप देखो कि संसार के अंदर अगर मंत्री सच बोलते हुए, सलाहकार सच बोलते हुए घबराने लगे, तो समझ लो राजा जाएगा, राजा नहीं बचेगा। क्योंकि ये इस प्रकार के लोग होते हैं, ये इस प्रकार का खेल होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो जब हम गुरु लोग ये एहसास कराने लगे कि शिष्यों का भार है, कि उन्होंने एहसान किया है, ये एहसान हो रहा है, मानने लगे कि अरे वो ये ना करता तो मेरा ये काम नहीं चलता, वो गुरु के ना तो लायक हैं, ना हो सकते हैं, न उनके पास गुरु का पद है, न गुरु तक वो पहुंच सकते हैं, न गुरु उनकी सोच में है, न गुरु शब्द का उनको मालूम है। गुरु लोग तो अलग ही होते हैं। आप नानक जी को देखिए, सब कुछ समर्पण कर दिया। कबीर जी को देखिए, तुलसी जी को देखिए, नित्यानंद जी को देखिए, दादू को देखिए, शंकराचार्य को देखिए, उनके पास संसारिक वस्तुएं हो सकता कुछ भी ना हों, लेकिन उनके पास वो दौलत थी जिसके कारण आज तक उनका इतिहास में नाम है। उनके रास्ते के ऊपर चल चल के लाखों लोग पार उतर गए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके अनंत लोग वहाँ तक पहुँच गए। आज तक साधनाएं चल रही हैं, आज तक प्रयास चल रहे हैं, आज तक उनके नाम का सहारा ले करके लोग गा गा करके, रट रट करके, किसी न किसी मार्ग से, उनके बताए हुए रास्तों से, कुछ न कुछ शब्दों को खोज करके, कुछ न कुछ प्राप्त करके ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। क्या उनके पास क्या था बताइए? नानक जी कोई राजा थोड़े ना थे, लेकिन उन्होंने इतना प्रयास किया कि वो राजाओं के राजा हो गए। राजा भी कुछ नहीं उनके सामने, महाराजा भी कुछ नहीं उनके सामने। तुलसीदास को देखिए आप, क्या थे? कुछ भी नहीं थे। राजा क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं, खत्म है सब कुछ। क्योंकि राजाओं का जो सिस्टम था वो मिट जाता है, वो ज़्यादा नहीं चलता, वो समाप्त हो जाता, वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो संतों का खेल होता है वो संतों से पहले भी चलता है, क्योंकि उनके पिछले जन्म से ही खेल शुरू हो जाता है, अगले जन्म में भी चलता है और उनके जाने के बाद भी चलता है। उनका खेल कभी समाप्त नहीं होता, चढ़ता चला जाता, उनकी कलाएं बढ़ती चली जाती हैं, उनकी ताकतें बढ़ती चली जाती हैं। और जब वो इस संसार से चले जाते हैं, संसार को जो दौलत सौंप करके जाते हैं, संसार को जो नाम की ताकत सौंप करके जाते हैं, संसार को जो भक्ति की ताकत सौंप करके जाते हैं, वो अपने शिष्यों को जो पार करके जाते हैं, जो उन्हें संस्कार दे करके जाते हैं, जो उनको तैयार करके जाते हैं, जो खेल खेल करके जाते हैं, ये नहीं कि वो चले गए समाप्त हो गया। उनका लक्ष्य होता है, उन्हें पता होता है 20 साल बाद ये जीव आएगा और हमारे नाम से इससे ऊपर उठ जाएगा, 10 साल बाद वो आएगा, ये काम होगा। एक एक पल पल की खबर होती है। भूत भविष्य वर्तमान, उनसे कुछ भी छुपा नहीं होता, सब कुछ सामने होता है। लेकिन वो बचते हैं सिद्धियों से, ख्याति से और ज़्यादा दूर तक नाम फैलने से, लेकिन संतों के नाम दबाने से रुकते नहीं। चाहे वो संसार में रहते हुए फैल जाओ, चाहे वो जाने के बाद फैल जाओ, लेकिन वो उठते ज़रूर हैं, कोई नहीं रोक सकता। संतों का एक और काम है, वो बोलते कम हैं कि जो बोल रहे हैं वो करते ज़्यादा हैं। वो खोजते रहते हैं नई नई विधियाँ ध्यान की, कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे जीव आगे बढ़े, कैसे जीव को मंजिल प्राप्त हो, कैसे आसानी से रास्ता मिले, कैसे आसानी से परमात्मा की प्राप्ति हो, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, कौन सा रास्ता हो, किस जीव के लिए कौन सा सुलभ है, किसी के लिए प्रेम का मार्ग सरल है, किसी के लिए ज्ञान का मार्ग सरल है, किसी के लिए शब्द का मार्ग सरल है, किसी के लिए साधना का मार्ग सरल है, किसी के लिए योग का मार्ग सरल है। जो जिस रास्ते के ऊपर चलता है, जो जिस मार्ग के ऊपर बढ़ता है, जो जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जो जितना प्रयास करता है,
जिसकी जो मंजिल होती है, जिसके जो जितनी मेहनत करता है, जितना भी कोशिश होती है, उसको उसी मार्ग से, उसी रास्ते से, उसी मंजिल से, वहीं से उठा करके ऊपर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जो जितना ऊपर उठता है, जो जिस स्थिति का जीव होता है, जो जिस श्रेणी का जीव होता है, जिसके अंदर जितनी अक्षमता होती है, वहीं से चलाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि कोई पाँचवीं क्लास का बच्चा है उसको वापस पहली में डालो, या दसवीं क्लास का बच्चा है उसको पाँचवीं में ले करके जाओ, या जो PhD में चल रहा है उसको दसवीं में बैठा दो। ये उनका काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो अनजान हैं, जिन्हें रास्ते का मालूम नहीं, जिन्हें केवल एक मार्ग मालूम होता है और उसी मार्ग से वो आगे पीछे लोगों को भटकाते रहते हैं, उसी से भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन जिसको तीनों मार्गों का ज्ञान है, जिसको सब मार्गों का ज्ञान है, जिसको ध्यान की विधियों का ज्ञान है, जिसको चढ़ाई का मालूम है, जिसको रास्ता पता है, जो हाथ पकड़ करके ले जाता है, जो भंवर गुफा से उठा करके ऊपर उड़ा ले जाता है, वो गुरु अलग किस्म के होते हैं। वो आपको उठाएंगे और सीधा आपको मंजिल के ऊपर उतार देंगे। ऐसे बहुत कम संसार के अंदर होते हैं, और वो लोग अलग किस्म के होते हैं। अलग चाल होती है, अलग खेल होता है, अलग तरह से सारे तैयारी वो विशेष तौर के ऊपर आते हैं, लेकिन वो कभी कभी ही इस धरा के ऊपर आते हैं। ये नहीं हर समय विराजमान होते हैं। अगर विराजमान भी होंगे तो इतना आसानी से हाथ नहीं लगते वो लोग। वो लोग उड़ते रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर, शरीर से नहीं, आत्मा के साथ। बहुत से ऐसे भी हैं जो शरीर को छोड़ करके आत्मा से ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शरीर छोड़ करके चले गए, आज भी उनके संदेश आते रहते हैं। बहुत से ऐसे भी गुरु हैं जो किसी न किसी माध्यम को पकड़ करके अपने संदेश भेजते रहते हैं और प्रकृति में अपना कार्य करते रहते हैं। बहुत से संत ऐसे भी हैं जो अपने शिष्यों को ढूंढ ढूंढ करके पार लगाते रहते हैं। तो अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य चलते रहते हैं, लेकिन ये सब के सब कार्य होंगे कैसे? ये सब के सब कार्य बिना भक्ति के नहीं होंगे, बिना प्रयास के नहीं होंगे। आप कितना भी कोशिश कीजिए, बातों से ये कार्य नहीं होंगे। चाहे मैं कितने भी दिन बोलता रहूं, कितना भी कोशिश करता रहूं, आप कितना भी लंबा सुनते रहें, पूरी रात भी ये बातें चलती रहें, कुछ भी होता रहे, लेकिन जब तक काम नहीं होगा, जब तक करोगे नहीं। अगर हम चीनी 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 मीठा हम लिखते रहें, पूरा दिन पुस्तक में लिखते रहें, लिखते रहें, आपको मिल थोड़ा ही ना जाएगा, वो आपके तो हाथ नहीं लगेगा। भोजन भोजन लिखते रहें, जल जल लिखते रहें, तो उसे प्यास थोड़ी ना बुझ जाएगी आपकी। जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप उसको पाओगे नहीं, जब तक आप उसको पियोगे नहीं, जब तक आप उसको जानोगे नहीं, तब तक कैसे नहीं हो पाएगा। कितना भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी मेहनत कर लें, कितने हाथ पैर मार लें, केवल बोलने सुनने मात्र से नहीं होगा।